बात अगर अल्मोड़ा की करें तो हजारों लोग अपने घरों को लौट चुके हैं, पर वहीं अभी भी कई लोग रेड जोन इलाकों में फंसे हैं। वहीं अल्मोड़ा में वापस आ रहे प्रवासियों की व्यवस्था में किस तरह लापरवाही देखने को मिली है, इसका जायजा हमारे संवाददाता अमित उप्रेती ने लिया, आप भी देखिए। सरकार की ओर से जो प्रबंध किए गए थे कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, अभी आप देखें कि अल्मोड़ा में ये लोग गुड़गांव से ये पूरी लोग आए हैं, पीछे की तरफ देखें तो सभी लोग यहां पहुंचे हैं और कल रात ये लोग पहुंच गए थे, उसके बाद से ही जो है इन लोगों का सभी का चेकअप कर इन लोगों को यहाँ से जो है बाहर की इनके गंतव्य तक पहुँचाने जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर से पता करते हैं, सर आप लोग इनको कहाँ ले जा रहे हैं? सर हम गुड़गांव से आए हैं, इन्हें रानीखेत तक छोड़ना है, छः सात दिन हमें भी हो गए ड्यूटी में, तो उसके बाद हमें भी रेस्ट चाहिए, हम रानीखेत तक छोड़ेंगे, बाकी वहाँ से आगे कार्रवाई जो लोकल है या अपने घर से बुलाएंगे या फिर थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं या फिर वहाँ अधिकारी जी वो पहुँचा देंगे। आप कितने लोगों को गुड़गांव से लेके आए थे और कितनों को अभी ले जा रहे हैं? हम 44 लोग ला के आए थे, 44-45 आदमी, बाकी अभी भी हमारी गाड़ी पूरी पैक है, 44-45 आदमी अभी है। हाँ, बाकी पूरी सेवा हमारी चली है, बराबर लगे हम भी। तो गुड़गांव से ही ये लोग जो हैं क्या कहते हैं 44-45 लोग लेके आए हैं। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें खास तरह से पालन किया जाए, लेकिन अगर बसों में देखा जाए तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके से कोई पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब पीछे बात करेंगे, मैडम आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। कब चले थे गुड़गांव से? परसों रात 12 बजे। तो ये चेकअप हुआ आप लोगों का यहाँ पे? यहाँ पे हुआ था अल्मोड़ा में। उससे पहले भी कहीं रास्ते में चेकअप हुआ? नहीं, उससे पहले तो नहीं हुआ। कहीं जब गुड़गांव से चले? गुड़गांव से हुआ था। गुड़गांव में चेकअप हुआ, उसके बाद कोई रास्ते में कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं। अभी आपने देखा कि लोगों को रास्ते में जो है काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन इन लोगों का सिर्फ गुड़गांव में जो है इन लोगों का जो चेकअप किया गया था, उसके बाद से अल्मोड़ा चेकअप हुआ। हालांकि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार बात कर रही है कि हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन लोग इनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कि प्रशासन की ओर से ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में समझ बात होगी कि अगर इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो ये आंकड़ा किस ओर पहुँचेगा। अल्मोड़ा से मैं अमित उप्रेती, R9 TV।